आखिरकार कॉफी विद करण सीजन 7 में तापसी पन्नू को अब तक क्यों नहीं बुलाया है करण जौहर ने। वह तापसी पन्नू से जब ये सवाल किया गया तो तापसी पन्नू ने जो जवाब दिया है वो बेहद ही ज़्यादा शॉकिंग है। वह क्या है ये पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि रिसेंटली ही तापसी पन्नू नज़र आने वाली है अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा में, और इसी के प्रमोशन को लेकर तापसी पन्नू काफ़ी ज़्यादा बिजी भी चल रही हैं। तो वहीं तापसी पन्नू और करण जौहर का एक बार फिर से आमना सामना हो गया है। आपको बता दूं कि तापसी पन्नू अपनी फिल्म दोबारा के प्रमोशंस को लेकर और करण जौहर अपने शो कॉफ़ी विद करण सीजन 7 के प्रमोशंस को लेकर एक ही साथ एक ही बिल्डिंग में मौजूद थे, जहां की मीडिया कर्मियों ने जब ये सवाल किया तापसी पन्नू से कि आखिरकार कॉफ़ी विद करण सीजन 7 में आप क्यों नहीं गई या फिर क्या आपको इनविटेशन मिला है अब तक करण जौहर की तरफ से, तो यहां पर तापसी पन्नू ने ये जवाब दिया कि मेरे सेक्स लाइफ में कहीं ना कहीं करण जौहर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो तापसी पन्नू ने ये सभी चीज़ें मजाक में कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं तापसी पन्नू का ये वर्ड जो है वो सेंसेशन बन चुका है और हमेशा ही यही सवाल उठ रहा है फैंस का कि आखिरकार करण जौहर, तापसी पन्नू जिनकी की इंडस्ट्री में 8 से 10 साल हो गए हैं, उन्हें अब तक अपने शो में क्यों नहीं इनवाइट किया है। हालांकि अनन्या पांडे, सारा अली खान और साथ ही साथ और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट की थी तापसी पन्नू से, लेकिन कई बार कॉफ़ी विद करण सीजन 7 में आ चुकी हैं। वेल, आखिरकार कॉफ़ी विद करण सीजन 7 में क्या आप तापसी पन्नू को देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।